हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग जून 2019 का पेपर वन का सेट वन सॉल्व कर रहे हैं, और ये पूरा पेपर वन जो है आपका 10 सेट में अवेलेबल है जून 2019 का, ठीक। और उसको पूरा विस्तृत तरीके से यहाँ पे देखे सॉल्व किया गया है, ठीक। और इसमें हम लोग पूरा ये कर लेंगे जैसा कि हमने कल आपको बताया था। इसी तरह से ज्योग्राफी जून का भी पेपर जो है आपको अवेलेबल करा देंगे। उसका कुछ प्रश्न जो है टाइप किया जा चुका है, कुछ बचा है तो उसको भी करा के उसके बाद जो है आपको उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जो भी लोग पीडीएफ के लिए इच्छुक हैं या पीडीएफ चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ पे नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। केवल आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, कॉल मत करिएगा उस पर, ठीक। तो नंबर यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, नंबर है 8318011238, ठीक। अभी ये फर्स्ट एक पेपर की पीडीएफ बनी है, इसी तरह से 10 पेपर है, ठीक। 10 सेटों का पीडीएफ बन जाएगा तो उसके बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक। 8318011238 पर केवल आपको व्हाट्सअप करना है, कोशिश यही करिएगा, ठीक। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्योंकि ये वीडियो में लगभग 50 प्रश्न हमने सॉल्व कराया है तो 50 प्रश्न का जो टोटल पहुँचेगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लगभग आपका 2 घंटे तो मिनिमम लग जाएगा। और हमारी कोशिश से आगे ये है कि जैसे इसमें डीआई का जो प्रश्न आता है, आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं, डीआई के जो प्रश्न आते हैं उसको सॉल्व कराने के लिए एक मैथ के टीचर हैं, उनसे हमने संपर्क किया है, ठीक। तो आपको डीआई यहाँ पे पढ़ा देंगे, और हो सकता है कि इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़े, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी डोनेट करेंगे। तो चूँकि ये टीचर जो है बाहर से हम इनको हायर कर रहे हैं तो इस वजह से उनको कुछ पेमेंट भी तो देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग डोनेट करेंगे या एक दो क्लासेस करा दी जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग जैसा आपको लगेगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर आप चाहेंगे कि क्लासेस उनकी प्रॉपर करा दी जाए तो करा दी जाएंगी, क्योंकि प्रॉपर उनके पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये आपका DI वाला पार्ट और जो रीजनिंग वाला पार्ट है, ठीक, इस पर करवा दिया जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग प्रश्न करते हैं। सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि का जो प्रश्न है, इसमें था कि निम्न में से कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है कौन सी करेक्टरिस्टिक्स की। अगर आप सिलेबस देखेंगे, अगर आपने सिलेबस को लाइन टू लाइन पढ़ा होगा, और केवल मात्र आपको सिलेबस ही पढ़ना है, यानी कि केवल केवल अगर आप सिलेबस ही फोकस करके चल रहे हैं तो भी आप देखिए यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का सिलेबस में आपका है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी है, ठीक। तो ऑप्शन है आपके पास मूल्यांकन सत्रांत होता है, यानी कि इवैल्यूएशन एट टर्मिनल पॉइंट, मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन। नेक्स्ट है मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम संसूचित करने से संबंधित होता है, तो इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, ठीक। निर्माणात्मक मूल्यांकन, अब देखिए यहाँ पे क्या है प्रश्न आपका, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषता है, तो सही उत्तर यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है कि मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है, ठीक। तो इसमें देखिए आंसर का डिटेल भी दिया गया है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है इवैल्यूएशन, तो उसमें सीखने के लिए आकलन या संरचनात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षण के दौरान बीच बीच में किया जाता है। इस आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में मदद करती है। इस आकलन के द्वारा छात्र तथा अध्यापक दोनों को प्रतिपुष्टि मिलती है तथा दोनों को सुधार करने का अवसर मिलता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण के अधिगम में सुधार करने के कई परिणाम देती हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से परिणाम हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन के।
पहला तो ये कि छात्र क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, ठीक। दूसरा ये कि छात्रों को क्या कठिन लगता है, क्या चीज़ें। छात्र को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। शिक्षक संतोषजनक प्रगति न पाकर शिक्षण विधि में बदलाव भी कर सकता है। जैसे अगर आप जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन है, अगर आपको लगता है, टीचर को लगता है कि स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है, तो उसमें अपने जो पढ़ाने के तरीके उसमें थोड़ा सा बदलाव करेगा। यह नैदानिक होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक। अगर आप और भी प्रीवियस ईयर 2009 से 15 तक या 2009 से 18 तक सॉल्व करेंगे, तो उसमें एक है नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, तो जो निर्माणात्मक मूल्यांकन है नैदानिक मूल्यांकन होता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन प्रत्येक माह या 15 दिन बाद या पाठ्य चर्चा की कुछ निश्चित इकाइयों के समाप्त होने पर किया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन में इसी विधि का प्रयोग होता है, ठीक। एक और पॉइंट आपको मिला, ये भी पूछा गया है कि सतत व्यापक मूल्यांकन में किस विधि का उपयोग होता है, तो है आपका कौन सी विधि है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट, अगर आप दो प्रश्न देख रहे हैं, सेकेंड वाला, कौन सी अधिगमकर्ता की गैर संज्ञानात्मक विशेषता है, ठीक। लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स में जब आपने सिलेबस में देखा होगा, तो वहाँ पे एक आपका कॉग्निटिव है, ठीक, कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे दिया है कि जो कौन सा इसमें नॉन कॉग्निटिव है, जो कॉग्निटिव नहीं है वही आपका नॉन कॉग्निटिव हो जाएगा। तो अगर आपने सिलेबस को ध्यान दिया है तो ये आप कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप देखिए कौन सा नॉन कॉग्निटिव है, स्मरण, समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना, सत्य में विश्वास करना। तो जो नॉन कॉग्निटिव है, गैर संज्ञानात्मक है, वह आपका सत्य में विश्वास करना है। ये देखिए ऑफिशियल की जो आपका करेक्शन के बाद की आई थी, ठीक, संशोधित जो आंसर की थी उसी के द्वारा ये दिया गया है। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, इसमें यहाँ पे देखिए सत्य में विश्वास करना अधिगमकर्ता की नॉन कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। सत्य में विश्वास करना पद नैतिक मूल्यों व आदर्शों के अंतर्गत आता है, जबकि स्मरण, समस्या समाधान, महत्वपूर्ण संवेदी आगतों की पहचान करना उच्च स्तर की मानसिक व संज्ञानात्मक की क्रियाएं हैं। इन कार्यों को करने में संज्ञान या चेतना की आवश्यकता होती है, ठीक। यानी कॉग्निटिव वो क्रियाएं होती हैं जिसमें संज्ञान या चेतना की आवश्यकता होती है, जबकि सत्य में विश्वास करना एक प्रकार का मूल्य है या ये नैतिक मूल्य है, आदत है, जिनका विकास होने पर व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है। सत्य में विश्वास करने का अधिगम से कोई सार्थक संबंध नहीं है, ठीक। जबकि संवेगी आगतों की पहचान करना या स्मरण करना या समस्या समाधान करना, ये सभी आपका लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉग्निटिव हैं, ठीक। इसके अभाव में अधिगम की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो है उसको देख लिया जाए, नेक्स्ट है आपका वह अध्ययन क्षेत्र। इसमें देखिए हम लोग 25 ही देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो हमको भी वीडियो भी बनाने में इतना लंबा प्रॉब्लम होगी और आपको पढ़ने में भी, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ अधिगम कार्यों हेतु, ये पार्ट वन है सेट वन का, ठीक, पार्ट वन सेट वन का 25 प्रश्न देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अभी जस्ट आपको 25 प्रश्न जो है शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुगमन और स्वमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, निम्न में से क्या कहा जाता है, ठीक। शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी, एंड्रागॉजी या फिर एंडागॉजी या फिर नृविज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे एंडागॉजी है, ठीक, एंड्रागॉजी है। अब इसका डिटेल आंसर देख लेते हैं कि ये एंड्रागॉजी क्या है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी टफ है आपका। एंड्रागॉजी के द्वारा प्रौढ अधिगमकर्ताओं की अधिगम शैली, उनकी अधिगम समस्याएं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। जिस प्रकार पेडागॉजी क्या है, शिक्षण शास्त्र से संबंधित है, बालकों और किशोरों की शिक्षा से होता है, उसी प्रकार एंड्रागॉजी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा से होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि बात क्या किया जा रहा है कि अनुगमन स्वमूल्यांकन का उपयोग प्रौढ़ अधिगम कार्यों के, तो प्रौढ़ अधिगम कार्यों के लिए एंड्रागॉजी है और किशोर या बालकों के लिए पेडागॉजी है, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु किसने प्रस्तुत किया था? कौन ऑफ एक्सपीरियंस, जॉन डेवी, किलोपैट्रिक, फोबेल या फिर एडगर डेल? तो सही उत्तर यहाँ पे आपका एडगर डेल है। ठीक, एडगर डेल ने कॉग्निटिव सॉरी एक्सपीरियंस का जो कौन है उसे प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए डिटेल है कि अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु एडगर डेल ने प्रस्तुत किया, जबकि फ्रावेल ने क्या किया था? फ्रावेल शिक्षा में खेल विधि, ध्यान रखिएगा ये भी, खेल विधि के जन्मदाता फ्रावेल हैं। विलियम किल पैट्रिक शिक्षा को प्रोजेक्ट विधि यानी योजना विधि के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा जॉन डीवी को प्रयोजनवादी दर्शन को की शिक्षा में प्रयोजनवादी दर्शन को शिक्षा में लाने का श्रेय दिया जाता है। अतः इन्हें शिक्षा में प्रयोजनवाद का जनक बताया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल विधि का प्रयोग फ्रावेल ने किया था और प्रोजेक्ट विधि किसने? विलियम किल पैट्रिक ने, और जो जॉन डीवी ने उन्होंने प्रयोजनवादी दर्शन को शिक्षा में लाने का प्रयास किया। एडगर डेल ने 1960 में बताया कि विद्यार्थी सीखी गई विषय वस्तु को तब अधिक देर तक जो याद रखता है जब वह कोई कार्य करता है। शोध के फलस्वरूप उन्होंने अनुभव कोण का निर्माण किया और प्रभावी अधिगम को दर्शाने वाला इनका अधिगम शंकु निम्न प्रकार से है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, इन्होंने ये दिखाया कि ऊपर से नीचे तक आप आएंगे तो निम्नतम प्रभाव बढ़ता जाएगा, किसमें? सर्वाधिक प्रभाव में। अगर आप यहाँ पे देखिए, वास्तविक प्रत्यक्ष उद्देश्य या अनुभव किसी को करा रहे हैं तो ज़्यादा उसे प्रभावी होगा, खोजपूर्ण अधिगम है तो इसकी अपेक्षा वो कम होगा। अभिनय प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक भ्रमण कराएंगे तो, चूंकि यहाँ पे इन्होंने बताया किस तरह से वो अनुभव को अपने यानी कि या कब कितने, यहाँ पे देखिए ऊपर इनका जो मानना था कि विद्यार्थी जो है जो सीखता है वो अधिक देर तक कब अपने दिमाग में बनाए रखेगा, कब बनाए रखेगा? जब उसे आप जैसे आप देखते हैं कि स्लाइड वगैरह पे जो पढ़ाया जाता है, पावर पॉइंट पे पढ़ाया जाता है, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा जल्दी जो है चीज़ें सीखते हैं। ठीक, वास्तविक प्रत्यक्ष या उद्देश्यपूर्ण अनुभव, खोजपूर्ण अधिगम में आप उतनी इसकी अपेक्षा थोड़ा कम हो जाता है। अभिनय प्रदर्शन, तो एक दूसरे की अपेक्षा ये कम होते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। प्रदर्शन सामग्री, चलचित्र, दूरदर्शन, रेडियो रिकॉर्डिंग, चित्र, दृश्य संकेत, मौखिक संकेत, तो ये ऊपर से नीचे आप आएंगे तो इसका प्रभाव जो है सर्वाधिक होता जाएगा, तो ऊपर निम्नतम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है? तो सोशल करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, चिंतन क्षमता, संशयात्मक कल्पना शक्ति या फिर स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता? तो राइट आंसर यहाँ पे 4 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इन चीज़ों को तो सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन सही हो रहे हैं? 4, और ये तुक्का मारने का विशेष तरीका है। ठीक, जो प्रश्न आपको मान लीजिए 50 प्रश्न में 10 प्रश्न अगर आ रहे हैं, 20 प्रश्न आ रहे हैं, और उसके देख लीजिए कौन से ऑप्शन ज़्यादातर सही हो रहे हैं या सी या डी सही हो रहे हैं, तो इसमें मान लीजिए अगर डी सही हो रहे हैं तो आपको, चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अगर 50 में 20 प्रश्न आपके राइट आ रहे हैं तो बचे 30 प्रश्न, 30 प्रश्न में आप तुक्का मार सकते हैं। ठीक, तो जो 20 प्रश्न में अगर डी आपका ज़्यादा ऑप्शन सही है तो आप 30 प्रश्न में डी ज़्यादा करेंगे सही, जो आप अपने मन से करेंगे, तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा और आप परीक्षा में पास कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट पेपर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को होती है, तो इसमें सही आंसर आपका स्वयं को दूसरों के साथ संबद्ध करने की योग्यता जो है ये आपका सामाजिक विशेषता के अंतर्गत आएगा। संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, चिंतन क्षमता या संशयात्मक कल्पना शक्ति, ये क्या है? कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स में है, क्योंकि इनका संबंध बुद्धि से होता है, जबकि दूसरों के या स्वयं के साथ संबद्ध करने की योग्यता जो है ये आपका सोशल करेक्टरिस्टिक में आ जाता है, जिसमें यह विशेषता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही आसानी से दूसरों के साथ संबंध को स्थापित कर लेता है। जैसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोगों में इस प्रकार की योग्यता ज़्यादातर पाई जाती है, जो जल्द ही दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, जो हमने ये आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ाया है, स्वयं का स्वयं रेफर टू स्टडी वर्ल्ड ऑफ एक्शन लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड या फिर स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड्स। ठीक, या नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट वर्ल्ड एक्शन लर्निंग फॉर यंग एलिंग माइंड्स स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ
अवेयरनेस माइंड। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक, तो स्वयं का फुल फॉर्म है, यह ध्यान रखिएगा, स्वयं का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। और ठीक, जो HRD मिनिस्ट्री के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया, तो इसको ज़रूर आप याद रखिएगा, स्वयं। और एक जो MOOC आया है MOOC, इसका डिटेल जो है हमने मैसूक ऑनलाइन, ये कम्युनिकेशन का ठीक एक सिस्टम है, एक तंत्र है, जो इसका पूरा डिटेल हमने आपको अनअकैडमी पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो उसमें प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पे देखिए, इसका स्वयं का अर्थ है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरियंस माइंड। यह भारत सरकार का एक उपक्रम है जो शिक्षा में समता व गुणता यानी गुणवत्ता के लक्ष्य को निर्धारित करता है। इसमें ये भी ध्यान रखिए पॉइंट, कक्षा 9 से परास्नातक तक की कक्षाओं को पढ़ाया जाता है इसमें, और इसमें 4 प्रकार की शिक्षा दी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई अभी देखेंगे नेक्स्ट जो पेपर उसमें आपका कई में पूछा भी गया है, 4 प्रकार की शिक्षा, वीडियो लेक्चर, PDF के रूप में मुद्रित सामग्री, सेल्फ असेसमेंट क्यूज और टेस्ट, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। ठीक, इन सामग्रियों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं नियुक्त की गई हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं? AICTE जो आपका इंजीनियरिंग में कॉलेजों को मान्यता देता है, इग्नू जो है, ठीक, NPTEL, IIMB, UGC, CEC, NCERT, NIOS, NITTR, ठीक, ये संस्थाएं हैं जो इसकी गुणवत्ता हेतु सामग्रियों का निर्माण करती हैं। ठीक, 7वां प्रश्न देखिए, शोध साहित्य एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है। अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम एट, तो इसमें सही उत्तर देखते चलते हैं डायरेक्ट। तो शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण करना, ठीक, तो ये आपका शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है कि जो प्रश्न, उसमें प्रश्नों को सृजन करना और उसकी वैधता को यानी उनकी वैलिडेटिंग को जो है आपको निरूपण करना। तो इसका डिटेल देखते चलिए कि शोध साहित्य की समीक्षा शोध का एक महत्वपूर्ण चरण भी होता है। इसका उद्देश्य होता है कि शोध प्रश्नों का सृजन करना और वैधता का निरूपण करना। इसमें शोध समस्या से संबंधित पहले किए गए शोधों का उल्लेख होना आवश्यक है। शोध साहित्य समीक्षा के निम्न लाभ होते हैं, जैसे समीक्षा से पहले किए गए अध्ययनों की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं होती है। समीक्षा से उत्तम प्राकल्पना बनाने और उत्तम अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं। समीक्षा से शोधकर्ता को यह भी पता चल जाता है कि अब तक अज्ञात रहा तथा किसे अब तक जांचा नहीं गया है इन चीज़ों को, चूँकि समीक्षा में लोग प्रश्न पूछते हैं, तो इससे जो है। नेक्स्ट है, एक शोधकर्ता 8वां प्रश्न देखिए, अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? ठीक, तो उसकी जो जीरो हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, ठीक, तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? शोध परिकल्पना को अस्वीकार वो कर लेगा। अब यहाँ पे आ जाइए विस्तृत आंसर में, जब शोधकर्ता किसी शोध समस्या का चयन कर लेता है तो वह उसका एक अस्थायी समाधान चाहता है। ठीक, एक अस्थायी समाधान एक जांचनीय प्रस्ताव के रूप में करता है। इसी जांचनीय प्रस्ताव को तकनीकी भाषा में हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, इसे H1 से प्रदर्शित किया जाता है। शोध परिकल्पना से निर्माण के तुरंत बाद शोधकर्ता उसे ठीक विपरीत एक परिकल्पना विकसित करता है, जिसे नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना कहते हैं। इसे HA से प्रदर्शित करते हैं या H0 से। ठीक, शून्य परिकल्पना का निर्माण शोधकर्ता अपने शोध परिणामों द्वारा अस्वीकृत करना होता है। ठीक, किंतु कभी कभी शून्य परिकल्पना स्वीकृत भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में शोध परिकल्पना यानी शोध जो हाइपोथेसिस है, रिसर्च हाइपोथेसिस, वो आपका अस्वीकृत हो जाती है। इसी प्रकार यदि शोधकर्ता शून्य यानी नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने में विफल रहता है तो शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। ठीक, नेक्स्ट है, 9वां प्रश्न है आपके पास, कौन सा क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है?
ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिसर्च साइकिल का कौन सा सही निरूपण है, चिंतन, क्रियान्वित योजना या अवलोकन। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका है पहले क्या किया जाता है कि समुच्चय क्रियात्मक शोध का चक्र का सही निरूपण है कि प्लान करना, योजना बनाना, फिर क्रियान्वित यानी एक्ट, उसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन होता है, अवलोकन होता है, फिर आपका जो है उस पर चिंतन होती है कि इसमें क्या चीज़ें नहीं की गई या इसका क्या रिलेवेंट है, इस प्रकार का चिंतन किया जाता है। ठीक, तो ये क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक्शन रिसर्च साइकिल होती है। ठीक, ये जब रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइप है क्रियात्मक अनुसंधान। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में स्टीफन एम कोरे ने किया था। इन अनुसंधानों का मुख्य उद्देश्य कक्षा या विद्यालय की समस्याओं के समाधान करना होता है, जो अध्यापक या प्रधानाचार्य के माध्यम से किया जाता है। इसका सही क्रम इस प्रकार से है कि योजना, फिर क्रियान्वयन, उसके बाद अवलोकन, फिर आपका चिंतन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है, कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है, विधेयात्मक पूर्वानुमानी और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। ठीक, तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर यहाँ पे देखते हैं। तो सही उत्तर आपका जो गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विधेयात्मक पूर्वानुमानी और दत्त विश्लेषण का परिहार करना, यानी कि आपको अवॉइड पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस एंड डेटा एनालिसिस। तो जो आपका डेटा एनालिसिस है, ठीक, या पॉजिटिविस्ट में जो पॉजिटिव अजम्पशंस हैं उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो यही आपका गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता होती है। डिटेल देख लेते हैं। गुणात्मक शोध एक ऐसा शोध है जिसमें शोधकर्ता किसी घटना या व्यवहार का गहनतापूर्वक अध्ययन करता है तथा गुणात्मक प्रदत्तों का संकलन कर विश्लेषण कर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषणों का परिहार करता है, यानी कि जो आपका पॉजिटिविस्ट अजम्पशंस हैं और जो डेटा एनालिसिस है उसको अवॉइड करता है। इसके अलावा कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे गुणात्मक शोध में आगमनात्मक तर्क का प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता की अहम भूमिका इसमें होती है। गुणात्मक शोध में केंद्रबिंदु विशिष्ट परिस्थितियों, संस्थाओं या समुदाय या मानव समूह का होता है। एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है कि अगर आप पूरा दसों सेट का डिटेल्ड में इसी तरह से आंसर देख लेंगे तो आपको एक एक टॉपिक का डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है वो आपका इसी वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं डिस्क्रिप्शन से जो एक्सप्लेनेशन है उसी से पूछा जाएगा। जैसे गुणात्मक शोध का ये पूरा विस्तृत आप देख रहे हैं, इसमें सूचनाओं की प्रकृति गुणात्मक होती है, इसमें निहित कारणों, व्याख्याओं और निहित अर्थों का विश्लेषण किया जाता है। यह संरचित उपकरणों के स्थान पर वैयक्तिक अनुभवों को ज़्यादा बल देता है। इसके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जाता, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, किस प्रकार के शोध में सामान्यीकरण, उनके परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जाता है, तो आपका गुणात्मक शोध में नहीं किया जाता, ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण सामान्यीकरण पर बल देती है। देखिए यहाँ पे आ गया, इसका सेम उल्टा आया है। जैसे आपने देखा कि कौन सा सामान्यीकरण पर जोर नहीं देती, तो आपका कौन सा गुणात्मक शोध है और कौन सा सामान्यीकरण पर बल देती है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आपका प्रयोगात्मक या कार्येतर शोध, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये आपका सामान्यीकरण पर और परीक्षण पर बल देती है। जैसा कि इसके प्रश्न से ही स्पष्ट है कि आपका जिसमें टेस्टिंग या जनरलाइजेशन है वो आपका एक्सपेरिमेंटल है। ठीक, इसका भी डिटेल देख लीजिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है या कार्येतर यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो शोध में परिकल्पना परीक्षण तथा परिणामों के सामान्यीकरण पर जनरलाइजेशन पर फोर्स करती है, बल देती है। जबकि क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च दृश्य घटना विज्ञान, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च तथा व्यक्ति अध्ययन शोध, केस स्टडी आदि के द्वारा किसी समस्या का समाधान तथा घटना के कारणों का पता जरूर चलता है, किंतु इसके अध्ययन से प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, केवल केवल सामान्यीकरण किससे होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड,
प्रयोगात्मक शोध इसमें शोधकर्ता बहिरंग चरों पर नियंत्रण करता है तथा स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर उसके प्रभाव का अध्ययन आश्रित चर पर किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण भी इसमें होता है। और एक पोस्ट फैक्टो मेथड में है कि इसमें शोधकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है और शोधकर्ता घटना घट चुकने के बाद शोध को आरंभ करता है। घटना का कारण स्वतंत्र तथा प्रभाव आश्रित चर होता है। ये देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि आश्रित चर का प्रभाव या घटना का कारण स्वतंत्र या प्रभाव आश्रित चर पर होता है, इसमें परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। चलिए, अब ये आपका गद्यांश है। जो गद्यांश पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना होता है। देखिए, आपके पास ये पूरा है। गद्यांश अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे शॉर्ट तरीका ये है और सबसे बेहतरीन तरीका भी यही है कि आप डायरेक्ट आके प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न क्या है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक। उसके बाद इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देख लीजिए कि निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अंततः क्या सुझाव दिया गया। और इसके बाद है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या कार्य है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए। तो ये आपका पाँच प्रश्न इससे हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पहला प्रश्न था कि आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो पांचों जो प्रश्न है आपको इसी से मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, पहली लाइन से दूसरी लाइन देख लीजिए कि सुदृढ़ संस्थाओं वाली आधुनिक अर्थव्यवस्था की विशेषता यह होती है कि विश्वसनीय आंकड़े समय पर जारी किए जाते हैं। अगर आपने प्रश्न नहीं पढ़ा होता तो देखिए आप क्या करते हैं कि पहले आप पूरा पैरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप प्रश्न पे आते हैं। जब प्रश्न में आते हैं तो फिर आप पैरे पे आते हैं, ठीक। फिर आप पैराग्राफ चेक करते हैं, तो इससे आपका टाइम भी जाता और आप परेशान भी हो जाते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहला काम यही करना आपको, प्रश्न पढ़ना। उसके बाद जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाएँ तो इसको आप यहाँ से करते चलिए, ठीक। इसी तरह से सभी प्रश्न आपको इसमें मिल जाएगा। अब हम एक एक प्रश्न का डिटेल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो पहला प्रश्न जो था, आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा कि विश्वसनीय आंकड़ों को जारी किया जाना, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा आंसर सही है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया था वैसे सेम हमने यहाँ पे देखा और ऑप्शन में देखिए डायरेक्ट वही बना है, विश्वसनीय आंकड़ों को जारी करना और वही, ठीक। निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं, तो आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे से निवेश संबंधी निर्णय प्रभावित होते हैं। इसका डिटेल हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका पैराग्राफ में पूरा पूरा दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो पैराग्राफ को यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, तो ये आप अंडरलाइन यहाँ से खुद कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, ठीक। ये हम आपको यहाँ से दिखा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। और इसमें यहाँ पे देखिए कि निवेश संबंधी निर्णय किससे प्रभावित होते हैं, युवा जनसंख्या से, राष्ट्रीय विकास से, आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे से, या राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना से। तो ये आपका आंकड़ों की सत्यता के मुद्दे से, इशूज ऑफ डेटा वैरेसिटी, ठीक, वैरायटी। तो इससे आपका क्या करना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये आंकड़ों के सत्यता के मुद्दे से या सत्यता से प्रभावित होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह निवेश करना जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वहाँ के जो इसके पहले निवेशक रहे उनकी स्थिति को तो जानेगा ही ना। तो इस तरह से नेक्स्ट है कि गद्यांश में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को क्या सुझाव दिया गया, तो उसको सुझाव दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आंकड़े संबंधी कैलेंडर का पालन करना ये सुझाव दिया गया है। विस्तृत देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी के सुझाव दिया गया कि विभिन्न संस्थाओं को अपनी आंकड़ों संबंधी कैलेंडर का पालन करना चाहिए। पूर्व निर्धारित समय पर आंकड़ों को जारी करने पर वे प्रकारात्मक स्वायत्तता को प्रस्तुत करती हैं और प्रकारात्मक स्वायत्तता संख्या के कार्यों को विश्वसनीय बनाती हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का क्या कार्य है।
तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का कार्य है कि उस वो मानकों को निर्धारित करना। तो राष्ट्रीय आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानक निर्धारित करना, जो राष्ट्रीय विकास संबंधी आंकड़े हैं, जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे मूल क्षेत्रों से संबंधी आंकड़ों के मानक को निर्धारण करना। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि राष्ट्रीय नीतियों की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है, जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक, तो अधिक प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता प्रदान करके, यानी कि जो उनकी ऑपरेशनल फ्रीडम है उसको इन्हेंस्ड करके। अगर आप किसी भी नीति की जो प्रकार्यात्मक क्षमता है, स्वतंत्रता है, उस पर कोई बाधा नहीं लगाते हैं तो नीति श्योर है कि आपका पालन उस पर होगी। ठीक, इस तरह से आप नहीं कर सकते कि ज़मीनी स्तर पर अनुभव करके, एक स्तर तक किया जा सकता है, लेकिन सबसे प्रभावी क्या है कि आप जो पॉलिसीज चालू की गई हैं उसको आप फ्री कर दीजिए और उसकी जो फ्रीडम है, ऑपरेशनल फ्रीडम है, उसका इन्हेंस्ड कर दीजिए उसे, यानी कि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाए। ठीक, बाह्य हस्तक्षेपों से उसे बचाना चाहिए जिससे वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, इसी तरह से उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। नेक्स्ट है संप्रेषण। ठीक, तो कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या है कम्युनिकेशन में, देखिए ये हमने आपको कराया भी है कम्युनिकेशन का, और इसको हमने डिटेल में कराया है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो ये कह रहा है कि कक्षा संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या है, ज्ञान, रुचि, मूल्यांकन, जागरूकता। जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, ज्ञान, जागरूकता, मूल्यांकन, जागरूकता, ज्ञान, रुचि। तो इसमें सही क्या है, कक्षा संप्रेषण के लिए जागरूकता, रुचि, फिर आपका इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके बाद इससे नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए दिया भी गया है और ये कुछ कथन दिया गया कि जनसंचार का सहसंबंधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये आपका दूसरे प्रश्न को इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। कक्षा कक्ष में छात्र व शिक्षक के मध्य होने वाला जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, इसे कक्षागत संप्रेषण कहते हैं, क्लास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें शिक्षक सूचना का स्रोत होता है और छात्र क्या आता है, ग्रहणकर्ता। संप्रेषण जितना अधिक प्रभावशाली है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी उसी मात्रा में वहाँ पे होती है। कक्षा संप्रेषण को यानी क्लास कम्युनिकेशन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना होता है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। जिस शिक्षक को संप्रेषण कला का जितना अच्छा ज्ञान होगा उसका शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। ठीक, कक्षा संप्रेषण के तत्वों का यही क्रम सही है, जागरूकता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, फिर इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उसके बाद आपका नॉलेज है, ज्ञान है। ठीक, जो नेक्स्ट प्रश्न बीच में आ गया था कि जनसंचार का सर्वधात्मक प्रकार किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, कथन है ये। और तर्क क्या है कि व्याख्यात्मक, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तर्क है कि व्याख्यात्मक पहलू जिसमें विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है, जनता की राय बनाए हैं, उसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। दिया गया कथन ये है कि जनसंचार का संवैधात्मक प्रकार्य किसी भी समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है, अर्थात किसी भी समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए जनसंचार सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका तर्क भी ये है कि व्याख्यात्मक पहलू में विज्ञापन और जनसंपर्क शामिल है। तो अगर आपको लोगों को जागरूक करना है तो विज्ञापन और जनसंपर्क तो बनानी होगी, जनता की राय भी बनाते हैं और उससे वो प्रभावित होते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विज्ञान और जनसंपर्क ही वह माध्यम है जो समाज के अच्छे बुरे और सामाजिक परिवेशों की आधारशिला रखते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या हैं, जो बैरियर क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ये हमने आपको कराया है। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बैरियर्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पे देख लीजिए, सही आंसर आपका ए और सी है, यानी कि पॉलिसी में बहुअर्थकता और पिस्टोक्ति का उपयोग, यानी यूज ऑफ क्लिच। ठीक, ये बैरियर्स हैं प्रभावी। सिंपल लैंग्वेज तो प्रभावी, ये
कम्युनिकेशन होगा ही होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आसानी से समझ आएगा, वाक्यों की आसान संरचना ये भी आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। लेकिन कौन सी बाधा होती है कि कोई मान लीजिए आप वर्ड्स बोल दिए, कोई लाइन बोल दिए मल्टी जिसका अर्थ हो, तो उसमें लड़का कन्फ्यूज कर जाता है। ठीक, इस तरह से तो यहाँ पे देखिए कई बाधाएं हैं, भाषा संबंधी बाधा और तकनीकी बाधा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता होती है, तो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसे प्री सपोज किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका किसी कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में निहित मान्यता क्या होती है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप, यानी न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक, इसका आंसर देख लेते हैं और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा आंसर सही है, कक्षा में संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का अभिप्राय अभिव्यक्तियों और अनुप्रयोगों के नए रूप का प्रयोग करना। शिक्षण जो है शिक्षक संप्रेषण का प्रभावशाली बनाने के लिए आधिकारिक अधिकाधिक जो है ग्राह्य बनाने के लिए अनेक वैज्ञानिक तरीकों या मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, जिन्हें हम लोग ICT का संज्ञा देते हैं, जैसे इंटरनेट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, माइक, ऑडियो वीडियो। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट है, कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा। कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, सामान्य अकादमिक एकीकरण। ठीक, सामान्य अकादमिक, जनरल अकादमिक इंटीग्रेशन। तो इसका आप यहाँ पे डिटेल देख लीजिए कि कक्षा शिक्षक, सॉरी यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया है, ये जनरल अकेडमिक इंटीग्रेशन नहीं होगा, बल्कि कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए जो तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम क्या होता है, स्पेसिफिक यूजर विल बी लीड टू पर्सनलाइजेशन, क्योंकि ये किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए बात की जा रही है। ठीक, तो ये वैयक्तिकरण हो जाएगा, पर्सनलाइजेशन, किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु। ठीक, कंटेंट प्रोड्यूस फॉर अ स्पेसिफिक यूजर विल लीड टू, तो यहाँ पे विस्तृत में आप देख लीजिए कि सामान्यतः कक्षा शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रकृति सामूहिक या सामाजिक होती है, क्योंकि शिक्षक पूरे समूह या पूरी कक्षा के बच्चों को रुचि, क्षमता, आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी विषय वस्तु की रचना करता है, और कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए जब यह विषय वस्तु पूरी कक्षा के बच्चों को ध्यान में न रखकर किसी विशिष्ट प्रयोक्ता, ध्यान रखिएगा इसको, किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की जाती है, तो ऐसी सामग्री व्यक्ति सामग्री या विषय वस्तु के नाम से जाना जाएगा, यह व्यक्तिकरण का ही परिणाम है। ठीक, व्यक्तिगत का मतलब जब वो स्वयं के लिए तैयार किया जाए। अब देखिए यहाँ पे लॉजिकल एप्टीट्यूड आ गया है कि किसी राशि पर 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर से अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक, 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए एक समान ब्याज दर से अर्जित, तो यहाँ पे देखिए कि आपका मूलधन क्या है, समान है, ब्याज भी आपका बात यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल आपका समय जो है बदला है, जबकि ब्याज भी समान है और मूलधन भी समान है। तो इस तरह से फार्मूला आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे बटे समय गुणे समय बटा 100, यानी कि PRT, पी यानी कि मूलधन पूंजी वाला, और आर यानी कि जो रेट है दर, टी यानी कि टाइम समय, डिवाइड कर देंगे इसे आप 100 से और ये ब्याज निकाला जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि माना 9 वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए हो गया, 12 वर्ष का क्या हो जाएगा, y। ठीक, दोनों अलग अलग होंगे, तो निकालना यहाँ पे आपको है कि ब्याज सेम कह रहा है, तो अगर 9 वर्ष का पहले आप निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 वर्ष का ब्याज क्या है, x है, और PR सेम रहेगा 9, ठीक, डिवाइड बाई 100। इसी तरह से 12 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, तो 12 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज y है, y बराबर P गुड़े R गुड़े 12/12, यानी 9 की जगह 12 हो जाएगा, ये टाइम है। ठीक, अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए आप यहाँ से इन दोनों को कर देंगे या इन दोनों को एक दूसरे का बटा कर देंगे। ठीक, अगर आप डिवाइड भाग करेंगे
तो ये पी आर दोनों सेम है, इसमें इसमें भी सेम है, ये इससे एलिमिनेट हो जाएगा। 100 भी सेम है, 100 भी, तो ये दो इससे भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा 9:12, 9:12। अब इसको काट दीजिए, 3 से 3 3 9, 3 4 12 आ गया कितना, 3:4। ठीक, तो सही उत्तर आपका 3:4 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आते हैं कि एक परिवार में ए बी सी डी ई और ई एफ 6 सदस्य हैं, जिसमें से दो क्या हैं, विवाहित दंपत्ति हैं, और ई जो शिक्षक है उसका विवाह डॉक्टर से हुआ है। इसको आप देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 6 लोगों को देख लेना है और 6 का नाम यहाँ पे नोट कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपको कि ई जो शिक्षक है का विवाह किससे हुआ है, डॉक्टर से हुआ। अब आपको यहाँ पे क्या है, डॉक्टर का नहीं पता है, लेकिन ई क्या है, शिक्षक है, इसका विवाह डॉक्टर से हो गया है। ठीक, और जो सी और एफ की माँ है, तो सी और एफ की माँ कौन हो गई, ई हो गई। ठीक, बी जो वकील है उसका विवाह ए से हुआ है, ए का एक पौत्र है, दो विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है, परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष इंजीनियर भी हैं, ए का सी से क्या संबंध होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको निकालना है कि आपका दादी का संबंध ये सी से होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। ठीक, तो बी ई जो है क्या है, शिक्षक है, इसका विवाह किससे हुआ है, डॉक्टर से हुआ है। ठीक, और इसके पुत्र कौन कौन है, वकील, ये आपका पुत्र हो गया ए गृहिणी, और इसी तरह से आपको इसमें निकालना है टोटल। सी और एफ प्रश्न में आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ें दिया वही आपको, सी और एफ की माँ कौन है, ई है। ठीक, ई जो है शिक्षक भी है और सी और एफ की माँ भी है। जी नहीं, यहाँ पे जो ई शिक्षक है इसका विवाह डॉक्टर से हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको, यही एक एक पॉइंट जो यहाँ पे कंफ्यूज कर जाता है, डॉक्टर से इसका विवाह हुआ है, यानी कि सी और एफ की माँ कौन हो जाएगी, डॉक्टर। ठीक, डॉक्टर, तो यहाँ पे ई जो है शिक्षक है, तो इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफ जो विद्यार्थी है इसकी माँ कौन हो गई, डी यानी डॉक्टर, और सी की भी माँ डी है। ठीक, और डी ए जो है डी की सास हो गई। इस तरह से यहाँ पे बी जो वकील है उसकी उसका पुत्र जो है ई है, शिक्षक है। ठीक, और ये इसका जो गृहिणी है, गृहिणी का पुत्र, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, गृहिणी और वकील, और इसका पुत्र जो है शिक्षक हो गया, ये इसकी बहू हो गई, यानी इसकी ये सास हो गई। अब कह रहा है कि ये जो है सी यानी जो इंजीनियर है उसकी ये गृहिणी क्या लगेगी, कि आपका दादी लगेगी। ठीक, क्योंकि ये इसका इसकी बहू है डी यानी डॉक्टर। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे 24वां देखिए, 6 मित्र हैं और ये एक बंद वृत्त में केंद्र की ओर बैठे हुए हैं, ई जो है ई डी की बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है। जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे आप फॉर्मेट बनाते जाएंगे तो निश्चित तौर पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे यहाँ पे किया गया है। ठीक, यहाँ पे आप इसको देख के वो आप कर सकते हैं। तो उसमें पूछा कि सी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो आपका सी के सी है, इधर सब लोग मुँह किए हैं, तो इसका इधर दाहिना राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो दाहिने कौन है, ए है। प्रश्न अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ई डी की बाईं ओर है, प्रश्न में आइए ई जो है डी के बाईं ओर है कि नहीं, देखिए डी का मुख इधर होगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो डी जो है ई जो है डी के बाईं ओर है। इसी तरह से आप सभी का करेंगे तो ये आपको इस पूरे वृत्त में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कि इसको पूरा करना आपको जे ए के वी एल एल सी एम एम डी एन, ये लास्ट है, इसमें इसके बाद हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे JAK KBI LCM MDN, ठीक। और नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पे पूरा करना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अल्फ़ाबेट जो रीजनिंग में आप जानते हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए तीन जो अक्षर हैं तो इस तरह से मिलेगा, जे के बाद के है, के के बाद एल है, एल के बाद एम है, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, ठीक। एक तो आपका ये हो गया। अब आप ऑप्शन भी देखते चलिए, तो ऑप्शन में आपका ये मिल गया तो यहाँ पे आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे एम की जगह यहाँ भी एन होता तो आपको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब बचे दो। तो दोनों को एलिमिनेट करने के लिए अब तीसरे वाले में आते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, एक तो हमने निकाल ही लिया कि एक में आपका एन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ भी एन होता तब आप कैसे करते, तो ए के बाद यहाँ पर आपका बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो दूसरा आपका एन ई हो गया। अब दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आपको तीसरा देखना है, के बाद यहाँ पे आ रहा है क्या, आई, फिर एम, फिर एन। यहाँ पे जो है आपका के में एक जोड़ा गया, के एल ये है, के एल एम एन, ठीक। यहाँ पे ये जो दिया गया है, पहले तो ये वाला के बाद आई होगा तो ये सेट ही नहीं होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट होगा, ठीक। के एल एम एन फिर आपका ओ, ठीक। अगर यहाँ पे आपका के वी आई जो लिखा है, अगर ये केवल रहेगा तो ये सेट होना ही नहीं, ये प्रश्न फिर गलत हो जाएगा, ठीक। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पे आई की जगह आपको क्या समझना है, आई की जगह आपको एल समझना है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। ये तीनों श्रृंखला आपको बनाई गई है, कैसे कैसे इसमें आप जोड़ के करेंगे, के बाद एल, फिर एल के बाद एम, एल एम एन, फिर एन के बाद आपका ओ। तो इस तरह से आप इसमें कर लेंगे। नेक्स्ट वाला जो है मैथ का ही प्रश्न अभी चल रहा है, तो 25 प्रश्न इसमें देखेंगे। तो आप सभी अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए और कमेंट भी करिए कि ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो तभी इसी बेस पे आपको दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल के नए व्यूवर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप इसे सब्सक्राइब करिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।